प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच 1 जून से दोबारा खोले गए सभी राजकीय संग्रहालय और स्मारकों पर पर्यटकों की आवाजाही धीरे धीरे शुरू होने लगी है। अब तक प्रदेश भर के सभी पर्यटन स्थलों पर कुल मिलाकर 5,500 से अधिक पर्यटक विजिट कर चुके हैं। राजस्थान पुरातत्व विभाग के निदेशक प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि पहले और दूसरे सप्ताह में जहाँ पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रखा गया था, वहीं अब 15 जून से सभी पर्यटन स्थल 2 पारियों में खोले जा रहे हैं और साथ ही शुल्क में 50% की छूट दी गई है। इसी को लेकर पुरातत्व विभाग के निदेशक प्रकाश चंद्र शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण ने। कोरोना महामारी में ऐसा कोई तबका नहीं रहा हो जो प्रभावित न हुआ हो। सब तबके थे जिसका काफी प्रभाव पड़ा, लेकिन अगर बात की जाए राजस्थान के पर्यटन की तो पर्यटन पर भी इसका बुरा असर पड़ा और लंबे समय तक राजस्थान के पर्यटन स्थल बंद रहे। इसके बाद सरकार ने जो दोबारा पर्यटन स्थल खोले तो प्रथम और द्वितीय सप्ताह थे जिसमें पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रखा गया, तो हालांकि पर्यटकों की आवाजाही हुई लेकिन पहले के मुकाबले कम जरूर है। लेकिन दोबारा खड़ा करने के लिए जो राजस्थान सरकार की जो पहल की गई थी, इसी पर हम बात करने के लिए हमारे साथ है राजस्थान पुरातत्व विभाग के निदेशक प्रकाश चंद्र जी शर्मा। इनसे बात करते हैं किस तरह की प्लानिंग है। अब तीसरा सप्ताह शुरू हो चुका है, तीसरे सप्ताह में जो है 50% शुल्क की जो छूट दी गई है, सर बताएं पर्यटन उद्योग को खड़ा करने के लिए जिस तरीके से 2 सप्ताह तक गाइडलाइन तमाम गाइडलाइन को फॉलो किया गया, पर्यटक भी पहुंचे राजस्थान के सभी टूरिज्म स्थल खोल दिए गए, अब तीसरे सप्ताह में शुरू हो चुका है, क्या प्लानिंग है? लॉकडाउन के दौरान पर्यटन उद्योग काफ़ी प्रभावित रहा है और इसी को उससे उबारने के लिए हमने 1 जून से राजस्थान के समस्त स्मारक और संग्रहालय खोल दिए। पहले 2 सप्ताह में हमने निःशुल्क प्रवेश रखा और उस दौरान करीब 5,500 पर्यटक हमारे पर्यटन स्थलों को देखने के लिए आए। अधिकांश पर्यटक स्थानीय स्तर के ही थे, कहीं विदेशी पर्यटक बहुत ही कम थे, जो यहाँ पे फंसे हुए थे वही लोग उसमें आए। अब हमने 15 तारीख से जो पर्यटन स्थल हमारे को जो खुले हुए हैं उसमें 50% शुल्क लिया जा रहा है, किंतु बाहरी पर्यटक अभी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। सोमवार के दिन लगभग 45 पर्यटक विभिन्न स्थानों पर आए हैं, आज भी सभी स्थल खुले हुए हैं, देखते हैं कितने आते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, फेसबुक अकाउंट पर डाल रहे हैं, ट्विटर पर डाल रहे हैं कि अधिक से अधिक पर्यटक हमारे पर्यटन स्थलों और संग्रहालयों को देखने के लिए आएँ और इसका लाभ उठाएं। सर जो प्रिकॉशन है किस तरीके से फॉलो की जा रही है, सेफ्टी का कितना खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है? कोरोना से बचाव के लिए जो भी गाइडलाइंस केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है उन्हीं सभी गाइडलाइंस की पालना हम लोग कर रहे हैं। हर पर्यटक जो भी आएगा वो अपना मास्क लगा के आएगा, उसका थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा, उसका हाथों को सैनिटाइज करवाया जाएगा, एक साथ 5-5, 6-6 पर्यटकों को अंदर भेजा जाएगा, फिर 5 मिनट का गैप देके दूसरे ग्रुप को भेजा जाएगा जिससे एक तरह भीड़ इकट्ठी ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। बुकिंग विंडो के सामने हमने 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे गोले बनाए गए हैं, उन गोलों पे पर्यटक खड़े होते हैं, उसके बाद ही उनको टिकट दिया जाता है। कोशिश करते हैं अधिकांश पर्यटक अपने ऑनलाइन टिकट लेके ही आएँ, हमें टिकट देने की जरूरत ना पड़े और पर्यटक अपना विजिट करके जल्दी जल्दी वहाँ से चले जाएँ। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक पर्यटन विभाग जो है अपनी तमाम कोशिशें कर रहा है जिससे कि राजस्थान का जो पर्यटन है वो दोबारा पटरी पर लौट चुके। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ हनुमंत सिंह चारण A1 TV जयपुर।